से हमने मुक्ति पाई और इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी है और तब जा कर के हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो ऐसी क्या जरूरत थी देश को स्वतंत्र करने की? 15 अगस्त 1947 से पहले ऐसा क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देश तो उस समय भी चल रहा था, देश में उसमें भी विकास हो रहा था, शासन लेकिन अंग्रेजों का था। हम अपने अनुसार देश को नहीं चला सकते। नौकरियां उस समय भी थी, रोजगार उस समय भी थे, लोग घर चलते थे, लेकिन देश हम अपनी इच्छा से नहीं चला पाते। और यही शायद हमारे मन में भाव था कि हम अपना देश खुद चलाएं, और इसीलिए पूरी फ्रीडम फाइटिंग की गई और देश स्वतंत्र हुआ। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विशेष योगदान है, हम सब जानते हैं। और ऐसे अनगिनत कई नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में हमारी मदद की। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि स्वतंत्र होने वाला हमने हासिल क्या किया। हमारी अपनी सरकार थी, हमारा अपना संविधान बना, हमारे अपने नियम बने, हमने अपने नियमों से देश को चलाना शुरू किया। और धीरे धीरे स्वतंत्रता की परिभाषा बदलने लगी। आज की अगर किसी युवा से पूछा जाए कि स्वतंत्रता क्या है, वो सोचता है कि सुबह 9 बजे उठना, रात को 1 बजे सोना, मार्केट में घूमना फिरना, ऐश करना, मज़े करना। वास्तविकता में ये स्वतंत्रता नहीं है। इस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। तो आज के दिन में स्वतंत्रता का स्वतंत्रता मतलब अपने विचारों को स्वतंत्र होकर अभिव्यक्त करना। स्वतंत्रता का मतलब हम जो कार्य करना चाहते हैं उसको हम अपने तरीके से करें, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कार्य को छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दें, हम अपने मूल्यों को छोड़ दें। स्वतंत्रता इन सबके साथ है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। हम अपने मूल्य नहीं छोड़ सकते। हमारे देश के जो मूल्य हैं हमें उनको अपनाना होगा, जो संस्कृति है उसको अपनाना होगा। इसी तरह से हम विचारों में अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें दूसरे के अधिकार की भी रक्षा करनी होगी। जिम्मेदारियों से हम मुक्त नहीं हो सकते। जब अंग्रेज शासन चलाते थे तो इस देश के लाभ तो अंग्रेजों हारने थे, वो जिम्मेदार थे, लेकिन आज देश का शासन हम चलाते हैं तो आज हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं जा सकते, हमें इन जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। तो स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ यही है कि हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से देश को चलाएं। और इसीलिए हमने अपना संविधान बनाया है। अब इस संविधान की जो पालना है वो हमें करनी है, हमें अपने देश के नियमों की पालना करनी है। अगर हम इन बनाए हुए नियमों को तोड़ करके और अपने हिसाब से चलते हैं तो ये स्वतंत्रता का अधिकार का हनन है। मैं अगर स्कूली शिक्षा में अगर इसका एग्जांपल लूँ तो हम टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या हम किसी भी तरीके से पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, हम अपने तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, हमारे संविधान ने दिया, वो भी अपने तरीके से पढ़ सकता है। और यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पढ़ाए हुए विषयों को उसको समझा सकें, उसके मन में बसा सकें। तो तरीका तो वो अपनाना पड़ेगा जिससे बच्चे को समझ में आए। वहाँ हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम सिर्फ इतना ही स्वतंत्र हैं कि हम उन तरीकों में से एक तरीका चुन सकते हैं जिससे बच्चा समझ सकता है, लेकिन वो तरीका बच्चे के लिए होगा, वो हमारे लिए नहीं होगा। हम सोचते हैं कि किताब सामने रख दी, बच्चों पढ़ लो, लेकिन उससे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें वो तरीका नहीं अपनाना है, हम इसके लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हमें बच्चे से संबंधित जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं
जिसमें वो अच्छे से समझ सके, कॉन्सेप्ट को सीख सके, आगे उसका उपयोग कर सके, हमें उसमें से चयन करना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अगर वो चार तरीके समझ सकता है तो उसमें से किसी एक तरीके लिए हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता हमें अपने स्वार्थ से भी लेनी है। कई बार हम अपने स्वार्थ बस भूल जाते हैं कि देश का हित, हम सबसे पहले अपना हित समझते हैं और देश को भूल जाते हैं, तो ये गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें देश की जो भी जिम्मेदारी है उससे विरोध नहीं करता है। जैसे हमारे देश में अभी कई कुरूपियाँ फैली हुई हैं, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, देश की सीमाओं से अलगाववाद है, सांप्रदायिकता है, ये सब जो कुरूपियाँ हैं या जो अव्यवस्थाएँ फैली हुई हैं, हमें इनसे निजात पाएंगे। हम यहाँ पर स्वतंत्र होकर के अमीरियत में अलगाववाद करना अच्छा है, देश के हित में जो अच्छा है हम सिर्फ उसी को करने के लिए स्वतंत्र, समाज के लिए जो अच्छा है उसी को करने के लिए स्वतंत्र, हमारे लिए जो अच्छा है हम उसको करने के लिए स्वतंत्र नहीं। तो 15 अगस्त के इस मौके पर हमें इस स्वतंत्रता शब्द का सही अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। हम इस पर मनन करें और देश को आगे ले जाएं, देश के लिए प्रयत्न करें, दिन रात मेहनत करें, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी है उनको सही मायने में हम श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम इस स्वतंत्र भारत को अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ते हुए देश को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर अभी एक दो वक्ता और आएंगे, कोई अपने विचार रखना चाहता आ सकता है। बिल्कुल सही,
अध्यापक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा दें कि वो देश हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दें। स्वतंत्रता दिवस पर केवल शहीदों को याद करना, राष्ट्रीय सम्मान करना, देशभक्ति की बातें करने के अलावा हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि आज जो मैं बात कह रही हूँ तो आप ये ना सोचें कि मैं 6 लोगों के बीच में ये बात कह रही हूँ। अगर मैं अपनी बात किसी एक व्यक्ति के सामने भी कहती हूँ तो मेरा संकल्प ये है, मेरा सोचना ये है कि मैंने एक व्यक्ति के बीच में बात कही है तो मेरी बात जो है वो 1 करोड़ लोगों के बीच में पहुँचेगी, क्योंकि आप एक से कहेंगे, एक वो आपके जो दूसरे लोग जिन्होंने सुना है वो 10 से कहेंगे, 10 20 से कहेंगे, तो ऐसे ही मेरी बात अगर आज 6 लोग सुन रहे हैं तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी बात 6 करोड़ लोगों तक पहुँची। तो हमारा सोचना क्या है, हमें क्या निर्णय लेना चाहिए कि रोजमर्रा के कार्यों में देश के लिए सोच कर 15 अगस्त और 26 जनवरी ये भी कोविड नहीं है कि जब हम स्वतंत्रता की बात करें हम गणतंत्र की बात करें। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छता नहीं है, हमें स्वच्छता की ओर नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमारे देश के आसपास, हमारे घर के आसपास जो गंदगी पड़ी है हम उसकी सफाई करवाएं, हम अपने आसपास के जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हम उनको सही दिशा दें, हम गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करें, बच्चों को संस्कारित करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और अपराध के प्रति जागरूक होकर दोषी को दंडित करवाने में भी हम भागीदारी लगाएं और सबसे बड़ी बात गलत को गलत कहने की हिम्मत हमने हो, भ्रष्टाचार का साथ नहीं दें, देश के नियमों का पालन करें। अगर हम इन सब पर ध्यान देते हैं तो देश हम प्रगति करेगा और हम भी देश के सपूत कहलाएंगे। और इन पंक्तियों के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन मेरी ये पंक्तियाँ आपको हमेशा कचोटती रहेंगी। मैं आपके दिमाग में एक प्रश्न छोड़कर जाऊँगी कि ये देश आज किससे जूझ रहा है, तो मेरी पंक्तियाँ हैं, ये नफरत पूरी है न पालो इसे, ये नफरत पूरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है न पालो इसे, ना हिंदू ना मुस्लिम ना इसका ना उसका, ना हिंदू ना मुस्लिम ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे, ये सबका वतन है बचा लो इसे, ये सबका वतन है।